आज का ये लीग मैच पाक हीरोज और रोरिंग टाइगर्स के बीच में खेला जा रहा है और टेट्रा कप वीकडे चैंपियनशिप ये एक टूर्नामेंट है जो खेला जा रहा है किंगस्टन क्रिकेट ग्राउंड शारजा पे। एंड इसी मैच के शुरू होने के टाइम आप देख सकते हैं कि पाक हीरोज़ की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और उन्होंने पहली गेंद पर चौका मार के मैच का आगाज़ किया है। तो यहाँ पे जो टॉस हुआ था वो रोरिंग टाइगर्स के कैप्टन ने फरहान ने टॉस जीता था और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हम आपको लेके चलेंगे टॉस की अपडेट पे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं हमारे इस वेन्यू पे जो कि है किंगस्टन क्रिकेट ग्राउंड वन शारजा, जहां पर खेला जा रहा है इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट टेट्रा कप वीकडे के सिलसिले में दो टीमों के माबेन मेरे साथ मौजूद हैं। पाक हीरो के कैप्टन अजहर भाई और जो है फरहान भाई मौजूद है रोरिंग टाइगर सीसी के कैप्टन। इससे पहले की गुफ्तगू का आगाज करें सबसे पहले हम टॉस करेंगे और मैच रेफरी हैं शहबाज। फ्लिप करेंगे और फरहान कॉल करेंगे। टेल इज अ गोल एंड इट इज टेल। तो फरहान वेलकम सर आपको हमारे इस वेन्यू पे जो कि है किंगस्टन क्रिकेट ग्राउंड वन शारजा। आपका पहला मैच है जी, फर्स्ट मैच, टॉस आपने जीता है, बताएं आप क्या करना पसंद करेंगे? हम बॉलिंग करना चाहेंगे फर्स्ट। अक्सर औकात हमने देखा है सर जिनका पहला मैच होता है इस पिच को जज नहीं किया होता वो अक्सर फील्डिंग ही लेती है, आपने बैटिंग ली है, वजह क्या है? नहीं नहीं हम फील्डिंग करेंगे पहले। अच्छा फील्डिंग करेंगे, आप कह रहे हैं बैटिंग करेंगे, चलिए नहीं मैंने फील्डिंग बार बार चले। तो क्या कह लगता है दूसरी टीम को आप कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे जो पिच लग रही है बहुत बहुत अच्छी लग रही है, बैटिंग ट्रैक लग रहा है तो 160 तक कोशिश करेंगे, बट आई नो टीम अच्छी है सामने हम अपनी एफर्ट फुल देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इनको कम से कम रन पर रिस्ट्रिक्ट करें। अच्छा आपकी टीम का नाम है रोरिंग टाइगर, वाकई आप इस तरह ही हारते हैं और टीम के बारे में जरा बताएं क्या कैपेबिलिटी है आपकी? जी हमारी टीम काफ़ी पुरानी टीम है, मैं 2012 से इनके साथ खेल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टूर्नामेंट्स हमने जीते हुए हैं और इस वक्त करंट जो टीम है उसमें हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है इसलिए हम बॉलिंग के साथ जा रहे हैं, जो आज फैसला हमारा है कि पहले बॉलिंग करेंगे। चलिए सर चाहे बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें फील्डिंग की। थैंक यू सो मच। अब मैं दावत दूंगा अजहर भाई को जो कि पाक हीरोज़ के कैप्टन हैं। सर टॉस आप हार गए हैं लेकिन ख्वाहिश तो शायद आपकी यही होगी आपको बैटिंग दी गई है। जी अगर टॉस जीते तो मैं बैटिंग करता पहले। कैसी टीम है आज आपकी? टीम आज बैलेंस है सुपर सब के साथ, 6 बॉलर्स हैं, 4 स्पिनर हैं, 2 पेसर हैं और 6 बैट्समैन के साथ इंशाल्लाह ग्राउंड में उतर आएंगे। क्या टारगेट सेट करना चाहेंगे इस विकेट पे? कोशिश रहेगी कि 180 प्लस हो जाए और फिर उसको रोक सकते हैं। चलिए चलिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें बैटिंग की। तो न्यूज ये है कि रोरिंग टाइगर के कैप्टन ने फरहान ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। थैंक यू सो मच।
तो जैसे आपने देखा टॉस की अपडेट थी, रोरिंग टाइगर्स ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। यहाँ पे 1.4 ओवर्स का खेल चल रहा है और पाक हीरोज़ की टीम बिना कोई नुकसान के 17 रन बनाकर खेल रही है। ओपनिंग बैट्समैन आए हैं बिलाल, जो कि 8 रन बनाकर खेल रहे हैं 5 गेंदों पर, और रफ़ीक उनका साथ दे रहे हैं जो कि 8 रन पे वो भी खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। बॉलिंग के आगाज़ में है आफ्ताब, जो कि अपनी पहली ओवर करा रहे, स्लोअर डिलीवरी डाली थी और इस स्लोअर डिलीवरी पे बिलाल ने बड़ा छक्का लगाने में कामयाबी हासिल की है। तो इसी के साथ मैच का पहला मैक्सिमम देखने को मिला है और ये आया है बिलाल के बल्ले से। तो स्कोर 2 ओवर के बाद बढ़ता हुआ पाक हीरोज का 23 बिना कोई नुकसान। यहाँ पे एक और बड़ा हिट देखने को मिला है बिलाल के बल्ले से। यहाँ पे दूसरा चक्का लगाने में कामयाब हुए हैं बिलाल, जो कि 20 रन बनाकर खेल रहे 7 गेंदों पर। पाक हीरोज़ का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, और 30 रन की साझेदारी यहाँ हुई है 16 गेंदों पर। रफ़ीक और बिलाल, इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप। बॉलर है फरहान, जो कि अपनी फील्डिंग सेट कर रहे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट डाल रहे हैं और शॉर्ट रन अप से मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट गेन एक और बार और वाइड डाउन द लेग साइड। यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं फरहान, 2 वाइड डालने के बाद एक डॉट कराने में कामयाब। लास्ट डिलीवरी है 3rd ओवर की और ब्लॉक होल, बहुत ही बढ़िया फिनिश टू दी ओवर। तो इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 32 विदाउट एनी लॉस। आप देख सकते हैं फुल स्कोर कार्ड, जहाँ पे प्लेयर्स के नाम के साथ आपको पता चल रहा है कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है, और पाक हीरोज़ इंश्योर करेगी कि उन्हें एक अच्छा टोटल लगाना है बोर्ड पे, तो ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए। और ये दोनों बल्लेबाज जो हिसाब से खेल रहे हैं, लग रहा है कि एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करा सकते हैं।
यहाँ पे आफ्ताब अपनी दूसरी ओवर कराने आए हैं और क्विक सिंगल लिया था रफीक ने, प्लेस कर दिया था बॉल को लेग साइड पर और फील्डर स्क्वायर लेग पे मौजूद थे इनसाइड द सर्कल, जिन्होंने काफ़ी अच्छा थ्रो किया था और क्विक सिंगल लेने में कामयाब हुए रफीक। इसी के साथ बिलाल आए हैं स्ट्राइक पर, जो कि 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है और आफ्ताब राइट आर्म अराउंड द विकेट बॉलिंग करा रहे हैं। शॉर्ट गेंद हुक करना चाहते थे लेकिन चूके कम्प्लीटली मिस कर दिया है इस गेंद को, तो इसी के साथ डॉट बॉल, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। एक और बड़ा छक्का यहाँ देखने को मिला है बिलाल के बल्ले से। 3 दफा बोलना पड़ा क्योंकि ये तीसरा छक्का है बिलाल का, और जो पहली डिलीवरी पे शॉर्ट बॉल मिस कर दिया था उन्होंने, वो रेडी थे अगले शॉर्ट डिलीवरी के लिए और उसे खींच दिया है काव कॉर्नर के सर के ऊपर से मैक्सिमम 6 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर पाक हीरोज का 39। तो यहाँ पे एक और चौका लगा दिया है बिलाल ने इस ओवर में, एक छक्का और एक चौका देखने को मिला। अब तक 11 रन दे चुके हैं आफ्ताब, अपने दूसरे ओवर का लास्ट बॉल करा रहे हैं और स्विंग कर दिया है हवे में ऑफ साइड के सर्कल के ऊपर से, एक शॉट लगाया था, देखना होगा बॉल बाउंड्री लाइन ट्रैवल कर रही है। यस, 4 रन मिलेंगे एक्स्ट्रा कवर रीजन पे, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई दे रही है यहाँ बिलाल के बिलाल की तरफ से। वो माइंड से एकदम क्लियर है, इंश्योर कर रहे हैं कि जो बॉल उनके जोन में मिलेगा वो बॉल को वो डिस्पैच करेंगे, और अब तक 34 रन बना चुके हैं 14 गेंदों पर। इंटेंशंस काफ़ी साफ है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, पाक हीरोज का स्कोर 47 बिना कोई नुकसान। तो यहाँ पे कासिम, जो कि नए गेंदबाज है रोरिंग टाइगर्स के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट मीडियम पेस बॉलर, पहली गेंद डॉट बॉल कराई थी रफीक को, दूसरी शॉर्ट गेंद और इसे पुल कर दिया है, देखना होगा इशारा अंपायर का, 6 रन। तो यहाँ पे बहुत ही जारियाना मोड अपनाया है दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई है। 53 रन बनाए 26 गेंदों पर और उसमें से बिलाल ने 34 और रफीक ने 16, ये इनके कंट्रीब्यूशंस है। और करंट रन रेट 12.23, इससे प्रोजेक्टेड स्कोर पता चल रहा है जो कि 245 जा सकता है अगर इसी रेट से खेलेंगे तो। तीसरी डिलीवरी स्लोअर थी थोड़ी,
कासिम द्वारा, और काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, बैट्समैन बीट हुए थे और कोई रन बनाने का मौका नहीं। यहाँ पे कासिम अपनी चौथी गेंद कराएंगे और इसे फ्लिक कर दिया है स्टाइलिश अंदाज में रफीक ने, जो कि अभी बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाने में कामयाब हुए। एक छक्का ऑलरेडी लगा चुके थे इस ओवर में और अब स्टाइलिश फ्लिक शॉट के साथ फाइन लेग के एरिया में एक चौका हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो पाक हीरोज का स्कोर 57 जा पहुँचा है बिना कोई नुकसान। यहाँ पे एक और शॉट डिलीवरी थी, हुक करना चाहते थे, बॉल लवे में फील्डर बॉल के नीचे थे लेकिन कैच ना कर पाए, ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पे पहला चांस मिला, एक लाइफ मिली है रफीक को। अभी रफीक को इसको फ़ायदा उठाना चाहिए इस लाइफ का और एक बड़ा स्कोर अपनी टीम के लिए देखना होगा रफीक ये कर पाएंगे कि नहीं। पाँचवें ओवर की लास्ट डिलीवरी कराएंगे कासिम, 58 पाक हीरोज का स्कोर। इस बार डाउन द लेग साइड और एक वाइड होगा यहां पे। तो इस दफा लास्ट डिलीवरी फिफ्थ ओवर की स्लोअर वन और इसे खींच दिया है बिलाल ने लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से एक और मैक्सिमम। तो काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ ये कासिम का। पहली ओवर में उन्होंने 18 रन दे दिए हैं और पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ इस मैच में और पाक हीरोज 65 बिना कोई नुकसान। We'll be right back.
तो यहाँ पे फरहान अपना तीसरा ओवर कराने आया है अपने स्पेल का, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्लो मीडियम पेस बॉलिंग करा रहे हैं और पहली दो गेंदों पर सिर्फ एक रन आया है। फरहान को इंश्योर करना होगा अपनी टीम के लिए एक विकेट हासिल करे, और ये विकेट आ सकती थी, इनसाइड एज लगा था, लेकिन अनलकी रहे फरहान और लकी रहे यहाँ बैट्समैन बिलाल। तो तीन गेंदों पर सिर्फ एक रन, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ कैप्टन फरहान, लीडिंग बाय एग्जांपल। चौथी गेंद कराएंगे बिलाल को, जो कि 40 रन बनाकर खेल रहे 16 गेंदों पर। और ये अगेन हाफ वॉली बॉल था और इसे उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से एक और मैक्सिमम बिलाल के बल्ले से, तो उनका स्कोर जा पहुंचा है 46 और इसी छक्के के साथ पाक हीरोज 72 विदाउट एनी लॉस। एक और करारा शॉट यहां पे, लेकिन क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है, और जैसे मैंने कहा था फरहान लीडिंग बाय एग्जांपल कैप्टन है रोरिंग टाइगर्स टीम के, उन्होंने पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को और काफ़ी डेंजरस बैट्समैन बिलाल उसको पेविलियन का रास्ता दिखाया है। और बिलाल ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है, 46 रन बनाए 17 गेंदों पर, और उन्होंने अपना काम कर दिया है पाक हीरोज अपनी टीम के लिए। तो पहले विकेट का नुकसान हुआ है 72 रन पे। तो जैसे आपने देखा पिछली गेंद पर फरहान, जो कि कैप्टन है रोरिंग टाइगर्स टीम के, उन्होंने पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को और काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा था कवर्स पे इनके फील्डर ने। तो नए आने वाले बल्लेबाज यहाँ पे फुजैल फारूकी, जो कि अपना स्टांस ले रहे हैं अंपायर से, रेडी हो रहे हैं अपनी फर्स्ट डिलीवरी फेस करने के लिए। और फरहान अपनी लास्ट बॉल कराएंगे अपने स्पेल की, थर्ड ओवर की। इसे बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में ग्लांस कर दिया है फुजैल ने, और आप देख सकते हैं कि 6 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ है। 6 ओवर के बाद पाक हीरोज का बढ़ता हुआ स्कोर 73 एक विकेट के नुकसान पे। और अब 6 ओवर का जैसे ही खेल समाप्त हुआ, तो यहाँ पे आपको फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस फिनिश होगी और आप आउटसाइड द 30-yard सर्कल प्लेयर्स को फील्डिंग पोजीशंस पे असाइन कर सकते हो। तो यहाँ से रोरिंग टाइगर्स की टीम को ये देखना होगा कि स्कोर को कंट्रोल में करे, ताकि एक डिसेंट टोटल पे रोका जा सकता है पाक हीरोज़ को। ऑन दी अदर हैंड पाक हीरोज़ करंट रन रेट 12.17 की रन रेट से स्कोर कर रहे हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 243 तक, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक अच्छा टोटल लगाए बोर्ड पर।
तो इसी के साथ कासिम, जो कि पहली ओवर में बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए थे, कैप्टन ने उन पर ट्रस्ट किया है, उन्हें दूसरी ओवर कराने बुलाया है। तो पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, फुजैल उसे पुल करना चाहते थे लेकिन बैट का बॉटम एज लग के सीधा लॉन्ग ऑन फील्डर के डायरेक्शन में बॉल, और एक रन लेके स्ट्राइक रोटेट किया है। यहाँ रफीक आएंगे स्ट्राइक पर, 22 रन बनाकर खेल रहे 17 गेंदों पर। कासिम की दूसरी गेंद, वंस अगेन रफीक ने फाइन लेग के एरिया में ग्लांस कर दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो जैसे बिलाल अटैकिंग मोड में खेल रहे थे, अब देख रहे हैं कि रफीक सेम अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपनी तीसरी गेंद कराने आ रहे हैं कासिम। इसे उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, और अंपायर का इशारा मैक्सिमम। वंस अगेन 6 रन मिलेंगे यहां रफीक को, और रफीक का बढ़ता हुआ स्कोर इसी मैक्सिमम के साथ जा पहुंचा है 28। इस बार शॉर्ट बॉल डाली थी और इसे पुल कर दिया है। देखना होगा फील्डर बॉल के पीछे रोक सकेंगे या नहीं, और अंपायर का इशारा 4 रन। तो इस ओवर में भी कासिम काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, अब तक 4 गेंदों पर काफ़ी स्कोर दे दिया है इस ओवर में। पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद चौका, एक छक्का और एक चौका, 88 पर जा पहुँचा है पाक हीरोज़ का स्कोर। फील्डिंग में थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं इस ओवर में, और 2 गेंद। यहाँ पे एक और शॉर्ट पिच बॉल थी और रफीक मिस कर गए कम्प्लीटली, और यहाँ अच्छा कमबैक है कासिम द्वारा। कासिम को ये देखना होगा कि एक और डिलीवरी इस ओवर में वो डॉट कराए। और यहाँ पे एक और बड़ा शॉट देखने मिल रहा है, देखना होगा फील्डर कैच पकड़ने में कामयाब होते हैं कि नहीं, और एग्जैक्टली फील्डर ने कोई मिस्टेक नहीं की और यहाँ पे कैच कर लिया है। और इसी के साथ रफीक की पारी का खात्मा, 36 रन बनाकर आउट हुए हैं 21 गेंदों पर, और पाक हीरोज को दूसरे विकेट का नुकसान 88 के स्कोर पे। इसी के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ इस मैच में।
तो यहाँ पे नए आने वाले गेंदबाज है सिमोन, और फुजेल ने हवे में खेल दिया था लॉन्ग ऑन के डायरेक्शन में और कैच छूटा यहाँ पे अब्दुल थे फील्डर जो कि कैच पकड़ सकते थे। देखना कि कितनी नाराजगी है अब्दुल अपने आप पे कि ये कैच ना पकड़ पाए। तीसरा विकेट मिल सकता था, पहली गेंद थी सिमोन के ओवर की, स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं। आठवें ओवर का खेल जारी, 89 जा पहुंचा स्कोर। यहां पे डॉट बॉल, यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया है बैट्समैन ने। नए आने वाले बल्लेबाज है फैजान जो कि साथ देंगे फुजैल का। बदूर भाई बहुत ही अच्छा टर्न मिला है यहाँ पे सिमोन को, लेग स्पिनर है और फुजेल बड़ा हिट लगाना चाहते थे, अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड की और अंपायर ने नॉट आउट करार कर दिया है। इस दफा आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड डिलीवरी, फुजेल जो कि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी बैटिंग में। फ्लाइटेड डिलीवरी कट कर दिया है, बेहतरीन कट शॉट खेला है फुजेल ने, लेकिन फील्डर मौजूद और सिर्फ एक रन मिलेगा यहां पे। और इसी के साथ आठ ओवर का खेल समाप्त हुआ इस मैच में। पाक हीरोज 93 पर जा पहुंचा है दो विकेट के नुकसान पे। सिमोन जो कि अपनी पहली ओवर करा रहे थे, फर्स्ट ओवर में सिर्फ 5 रन देने में कामयाब, अच्छी ओवर कराई है। और इसी के साथ और एक स्पिन बॉलर अटैक में, तो यहाँ पे नए गेंदबाज रोरिंग टाइगर्स की टीम के लिए एक और स्पिन बॉलर, फर्स्ट डिलीवरी सिंगल के लिए खेल दिया था फैजान ने। तो अब्दुल जो कि बॉलिंग करने आए थे अपना पहला ओवर करा रहे, दूसरी गेंद अपने स्पेल की और फुजेल ने एक बड़ा हिट लगाया है, 6 रन हासिल किए हैं और तीसरी गेंद कराएंगे। टर्न मिला है अच्छा खासा, फुजेल एक और लंबा हिट करना चाह रहे थे लेकिन बॉल टर्न होके कीपर से भी मिस हो गया बॉल, डॉट बॉल इस दफ़ा।
यहाँ पे एक बेहतरीन कट शॉट खेला है फुजैल ने, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और एक रन मिलेगा यहाँ। बहुत ही बढ़िया फ्लाइटेड डिलीवरी थी इस बार और हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे सिंगल के लिए, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में फैज़ान जो कि शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पे फील्डिंग कर रहे हैं, और अब्दुल अपना आखिरी गेंद कराएंगे इस ओवर का, अब तक 8 रन दे चुके हैं। फ्लाइटेड वंस अगेन और हिट कर दिया है हवे में, और इसी के साथ पहला विकेट मिला अब्दुल को पहले ही ओवर में, और तीसरा नुकसान हुआ पाक हीरोज को 101 रन के स्कोर पर। 9 ओवर का खेल समाप्त, करंट रन रेट चल रहा है 11.43, स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा है पाक हीरोज का। अब जो नए आने वाले बल्लेबाज फुजैल को साथ देंगे, उन्हें एक पार्टनरशिप बनानी होगी अगले 4 से 5 ओवर के लिए, और विकेट को कंट्रोल करना होगा। और उसी दौरान रोरिंग टाइगर्स जो स्पिन बॉलर्स बॉलिंग करा रहे हैं, काफ़ी चांसेस है कि और 2 विकेट जल्दी निकाले तो एक कम टोटल पे पाक हीरोज को क्लोज कर सकते हैं। देखना होगा कौन सी टीम स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेल खेलेगी। तो इसी के साथ 10वें ओवर का खेल जारी। सिमोन जो कि पहली ओवर में से 5 रन दिए थे, वो बॉलिंग करेंगे फुजैल को। फ्लाइटेड डिलीवरी और एक लंबा शॉट खेला है फुजैल ने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से एक और 6 रन। तो फुजैल के बल्ले से ये दूसरा छक्का देखने मिला है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश शॉट फुजैल ने खेला है इस दफ़ा। तो पहली गेंद पर 6 रन हासिल हुए हैं, और ये एक बड़ा ओवर हो सकता है पाक हीरोज टीम के लिए। बल्लेबाजों को कोशिश करनी होगी कि इस पहले बिग हिट का फायदा उठाए। यहाँ पे एक और बेहतरीन शॉट फुजैल के बल्ले से, पहली गेंद पर एक छक्का लगाया था, दूसरी गेंद पर वंस अगेन कवर ड्राइव मार के 4 रन हासिल किए हैं। 2 गेंदों पर ऑलरेडी 10 रन हासिल कर लिए इस ओवर में, और फुजैल का स्कोर 21 रन 10 गेंदों पर। तीसरा गेंद सिमोन का शॉर्ट पिच और हल्के हाथों से कट कर दिया है, और सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो यहाँ पे सेंसिबल बैटिंग कहूँगा मैं फुजैल द्वारा, जिन्होंने 2 बॉल पे 10 रन निकालने के बाद और एक तीसरा बड़ा हिट लगाने की कोशिश नहीं की, सिंगल लेके अपने पार्टनर को स्ट्राइक दे दिया। और इसाम जो कि नए आने वाले बल्लेबाज है फुजैल का साथ देंगे, उन्होंने भी एक सिंगल ले लिया है 4थी गेंद पर।
तो अब दो डिलीवरी बाकी इस ओवर में, इसके बाद हम साइड चेंज करेंगे, देखना होगा फुजैल इन दो गेंदों पर बड़ा शॉट लगाएंगे या अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी थी इस बार सिमोन द्वारा और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, तो एक रन और मिलेगा इस ओवर में। 13 रन आ चुके हैं अब तक 5 गेंदों पर। लास्ट डिलीवरी ऑफ द 10th ओवर, फ्लिक कर दिया है फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में और एक रन मिलेगा। तो यहाँ पे 10 ओवर का खेल समाप्त, पाक हीरोज 115 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो यहाँ पे अब्दुल जो कि 11वीं ओवर कराएंगे, अपना दूसरा ओवर कराने आ रहे अपने स्पेल का, और यहाँ पे हमने देखा पहली गेंद पे काफ़ी ब्रेक मिला, काफ़ी टर्न मिला अब्दुल को, कीपर भी इसे कंट्रोल ना कर पाया और बाय की सूरत में एक रन मिलेगा। और इसी के साथ फुजैल स्ट्राइक पर 23 रन बनाकर खेल रहे हैं 12 गेंदों पर। और यहाँ पे एक और बड़ा शॉट देखने मिला है फुजैल के बल्ले से, ऐसे बैटिंग कर रहे हैं लग रहा है कि गए 5 मैचों से कॉन्फिडेंटली स्कोर कर रहे हैं, और यही कॉन्फिडेंस देखना चाहिए एक प्लेयर को अपने आप में, और फुजैल एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा शॉट एक और लगाया है और 6 रन हासिल कर लिए, 29 पर जा पहुँचा है उनका स्कोर 13 गेंदों पर। सामना करेंगे अब्दुल का, तीसरी गेंद डालेंगे अपने स्पेल की, इस दफा कट कर दिया है और सिंगल, यस नो, और
इजीली एक सिंगल हासिल कर लिया यहाँ पे। तो फुजैल का स्कोर बढ़ता हुआ 30, पाक हीरोज 123 रन 3 विकेट के नुकसान पे। प्रोजेक्टेड स्कोर अब भी 234 दिखाई दे रहा है। करंट रन रेट 11.71। फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इसे इसाम ने ब्यूटीफुली कवर्स पे पुश करके फुजैल को स्ट्राइक वापस दी है। तो अब देखना होगा फुजैल, जो कि इस ओवर में ऑलरेडी एक छक्का लगा चुके हैं, क्या और एक बड़ी हिट के लिए ट्राई करेंगे। फ्लाइटेड डिलीवरी और इसे खींच दिया है मिड विकेट पे, बॉटम लगा है बैट का, जो कि जैसे ही शॉट खेला था फुजैल ने अपने बैट के बॉटम को देख रहे थे कि ये कनेक्ट नहीं हुआ था, और इसी के साथ अपनी विकेट दे बैठे फुजैल। काफ़ी अच्छा कैच किया यहाँ रोरिंग टाइगर्स के फील्डर्स ने, और अब्दुल जो कि अपनी दूसरी सफलता लेने में कामयाब हुए हैं अपने दूसरे ओवर में। तो इसी के साथ चौथे विकेट का नुकसान हुआ है पाक हीरोज़ को और उनका स्कोर हुआ है 124। तो यहाँ पे नए आने वाले बल्लेबाज गुल, जो कि साथ दे रहे इसाम का, और यहाँ पे इसाम ने स्ट्रेट ड्राइव लगाकर एक चौका हासिल किया है। यहाँ पे एक और फ्लाइटेड डिलीवरी सिमोन द्वारा और विकेट कीपर कैच का अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग है यहाँ सिमोन द्वारा, फ्लाइट कराने में कामयाब हो रहे हैं और ज़रा भी डर नहीं है उनको फ्लाइट कराने में। इसी फ्लाइट के साथ वो देखना चाह रहे हैं कि बैट्समैन गलती करे और विकेट हासिल हो। एक और डॉट बॉल स्किटिंग डिलीवरी थी, स्किट कर दी पिच होने के बाद।
तो एक चौका खाने के बाद सिमोन ने दो डॉट बॉल कराया, अच्छा कमबैक कहेंगे इसे। पांचवी गेंद फ्लाइटेड आउटसाइड द ऑफ स्टंप और अंपायर ने इसे वाइड करार कर दिया है। बॉलर थोड़े से नाखुश अंपायर के इस डिसीजन से। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी थी सिमोन द्वारा और इसे मिड ऑन की पोजीशन पे एक सिंगल रन के लिए खेल दिया। तो इसी के साथ गुल जो कि सामना करेंगे सिमोन की तीसरे ओवर की लास्ट डिलीवरी का, फ्लाइटेड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और डॉट बॉल। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर का खेल इस मैच में फिनिश हुआ है और पाक हीरोज 131 रन्स बनाकर खेल रहे हैं। और यहाँ पे नए आने वाले गेंदबाज है ऑर्मिस, वो अपनी पहली ओवर करा रहे हैं। दो गेंदों पर दो डॉट डिलीवरी कराने में कामयाब, काफ़ी अच्छा शुरुआत यहाँ पे इनके स्पेल का। तीसरा गेंद बैट्समैन क्रीज का उपयोग करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक सिंगल के लिए पुश कर दिया है। तो इसी के साथ 13 ओवर का खेल समाप्त और ऑर्मिस जो कि अपनी पहली ओवर करा रहे थे सिर्फ 7 रन दिए, तो काफ़ी अच्छा ओवर है। सिर्फ एक बाउंड्री आई थी और 3 सिंगल इनके ओवर में। और इसी के साथ 13 ओवर के बाद पाक हीरोज का बढ़ता हुआ स्कोर 138 4 विकेट के नुकसान पे।
अरसलान है नए आने वाले बॉलर रोरिंग टाइगर्स के लिए, एक और स्पिन बॉलर राउंड द विकेट बॉलिंग कराएंगे और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज इसाम जो कि 10 रन बनाकर खेल रहे 13 गेंदों पर। बड़ी अपील यहां पे लेग बिफोर के लिए और बॉलर राउंड द विकेट बॉलिंग करा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स चांसेस ये होता है कि राउंड द विकेट पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप होता है और अंपायर उसे नॉट आउट करार करते हैं, बट इस दफ़ा काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे बॉलर अरसलान लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट करार कर दिया। दूसरी गेंद ओवर की, इसे शफल करके खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहाँ पे, ईजी शॉट 4 रन के लिए। काफ़ी इनोवेटिव शॉट यहाँ पे इसाम द्वारा। यहाँ पे अरसलान अपना तीसरा गेंद कराएंगे और शॉर्ट पिच बॉल था, खेल दिया है इसे गैप में, कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहाँ पे, एक और 4 रन मिलेंगे यहाँ। दो गेंदों पर दो बाउंड्री लगाने में कामयाब इसाम और उनका बढ़ता हुआ स्कोर 18-16 गेंदों पर पाक हीरोज का 146 जा पहुँचा है स्कोर। करंट रन रेट अब भी 10.81, प्रोजेक्टेड स्कोर 216 तक जा सकता है। चौथी डिलीवरी अरसलान द्वारा फ्लाइटेड वंस अगेन, वापस से एक अपील थी लेग बिफोर की लेकिन इस बार डेफिनेटली पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप था तो LBW का कोई चांस नहीं बनता, लेकिन अच्छी बॉलिंग यहां पर देखने मिली अरसलान द्वारा, फ्लाइट कराने में ज़रा भी नहीं झिझक रहे और दो गेंदे बाकी इस ओवर में। अब ओवर द विकेट बॉलिंग कराएंगे यहां पे, प्लेस कर दिया है फाइन लेग की दिशा में एक रन के लिए और लास्ट डिलीवरी का सामना करेंगे गुल। बॉलिंग करेंगे अरसलान, 9 रन दे चुके अब तक 5 गेंदों पर। फ्लाइटेड और इसे फ्लिक कर दिया है लेग साइड पे, एक रन मिलेगा, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद। तो इसी के साथ 14 ओवर का खेल समाप्त, पाक हीरोज 148 4 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे एक और विकेट मिलता हुआ रोरिंग टाइगर्स की टीम को और ओरमिस जो कि अपने सेकंड ओवर कराने आए हैं, पहली गेंद पर क्लीन बॉल कर लिया है गुल जो कि आउट हुए हैं इस दफ़ा। 5वां विकेट गिरा है 148 के स्कोर पर।
यहाँ पे और मिस अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं, और पहली गेंद पर जो उन्होंने बोल्ड किया था उसके बाद थोड़े एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं रोरिंग टाइगर्स के लिए। इसाम जो कि पिछली गेंद पर 4 रन लगा दिए थे और इस बार मिड विकेट के सर के ऊपर से एक मैक्सिमम शॉट लगाया 6 रन के लिए, तो इस ओवर में ऑलरेडी 11 रन दे चुके हैं और मिस 4 गेंदों पर। फुल टॉस था, इसे प्लेस कर दिया है, पहला रन तेजी से भाग रहे, दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं और देखना होगा यहाँ पे, इजीली 2 रन कंप्लीट किया है तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ दोनों बल्लेबाज द्वारा। और 5 गेंदों पर 13 रन अब तक आ चुके हैं, पाक हीरोज 161 14.5 ओवर्स। लास्ट डिलीवरी स्लोअर वन थी और इसे फ्लिक करके 1 रन हासिल कर लेंगे इसाम। इसाम का बढ़ता हुआ स्कोर इसी सिंगल के साथ 32 और 15 ओवर का खेल समाप्त यहां पे 162 फॉर 5 पाक हीरोज। यहाँ पे आगे आकर फुटवर्क का इस्तेमाल किया है फजल ने और तीसरा गेंद खेल रहे थे। इनफैक्ट इसाम है बैट्समैन जो कि इन फॉर्म बैट्समैन है, अब छक्का लगाने में कामयाब, 6 रन हासिल करके 40 रन पर जा पहुँचे, 26 गेंदों का सामना किया है। और नासिर जो कि अपनी पहली ओवर करा रहे हैं और इस बार इसे फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है, 1 और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। तो इसाम काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ, 44 जा पहुँचा है उनका स्कोर।
तो 16 ओवर के बाद पाक हीरोज का बढ़ता हुआ स्कोर 176 और 4 ओवर का खेल बाकी है इस मैच के फर्स्ट इनिंग में। देखना होगा पाक हीरोज का टोटल 200 क्रॉस कर सकेगा या नहीं। प्रोजेक्टेड स्कोर करंट रन रेट के हिसाब से दिखा रहा है 218 तक जा सकता है। और मिस जो कि अपना तीसरा ओवर कराने आ रहे हैं। दूसरी गेंद शॉर्ट पिच थी और इसे हवा में खेल दिया है। विकेट कीपर बॉल के नीचे कैच करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे ड्रॉप हो गया है कैच। तो एक लाइफ मिली है फजल को और एक रन मिलेगा यहाँ। तो यहाँ पे 17 ओवर का खेल चल रहा है और लास्ट डिलीवरी करेंगे और मिस। अब तक 24 रन दिए हैं उन्होंने, 3 ओवर डाल दिए और 24 रन पे उनका स्पेल। 17 ओवर के बाद पाक हीरोज का बढ़ता हुआ स्कोर 179, करंट रन रेट अभी भी 10.53 चल रहा है और प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 211 रन तक। इनफॉर्म बैट्समैन है साम, 45 रन्स बनाकर खेल रहे हैं, 31 बॉल्स का सामना किया है उन्होंने।
तो इसी के साथ सेकेंड इनिंग्स का आगाज हुआ है। रोरिंग टाइगर्स चेस कर रही है 210 20 ओवरों में, और दो ओपनिंग बल्लेबाज नासिर और मोहम्मद जो कि पारी की शुरुआत करेंगे रोरिंग टाइगर्स के लिए, और गेंदबाजी में असगर खान जो कि कप्तान है पाक हीरोज़ के, वो अपनी फर्स्ट स्पेल स्टार्ट करेंगे। तो दो गेंदों में अब तक एक सिंगल आया है और रोरिंग टाइगर्स ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है सिंगल के साथ, और मोहम्मद फेस करेंगे असगर का जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट लंबे रनअप से करा रहे, फास्ट बॉलर है। तीसरी गेंद के लिए असगर खान, बहुत ही बढ़िया स्विंग मिली है यहाँ पे, बैट्समैन चूके और गेंद सीधी कीपर के हाथों में डॉट बॉल के लिए। यहाँ पे एक ज़ोरदार अपील हुई थी लेग बिफोर की, अंपायर ने इसे गोइंग डाउन द लेग साइड करार करके नॉट आउट का इशारा किया और लेग बाय की सूरत में एक रन मिला है। तो यहाँ पे देखने मिल रहा है कि असगर को काफ़ी अच्छा स्विंग मिल रहा है फर्स्ट ओवर में, और जो एक्शन के साथ बॉलिंग कराते हैं साइड आर्म एक्शन, उस पर नेचुरल आउट स्विंग जो कि बॉलर को मिल रही है। रिक्वायर्ड रन रेट अब है 10.85, पहली ओवर का लास्ट डिलीवरी गुड लेंथ बॉल और शॉर्ट थर्ड मैन की एरिया में बॉल को फील्ड किया फील्डर ने, तो एक ओवर का खेल समाप्त। रोरिंग टाइगर्स 2 रन बिना कोई नुकसान। यहाँ पे दूसरा ओवर कराने आए हैं राज, और
अपने पहली गेंद पर एक वाइड डाला था जिधर चार रन आ गए थे, और अगला डॉट बॉल करने के बाद इस दफ़ा शॉर्ट गेंद कराई, और मोहम्मद जो कि पुल करना चाह रहे थे गेंद हवे में, और फील्डर कोई भी मिस्टेक किए बिना कैच पकड़ने में कामयाब। सो पहला विकेट का नुकसान हुआ है यहाँ रोरिंग टाइगर्स की टीम को 7 रन के स्कोर पर।
और इस दफा कट किया है बहुत ही तेज शॉट 4 रन के लिए निसार ने नासिर ने, और रोरिंग टाइगर्स सीसी का बढ़ता हुआ स्कोर 27, 4 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। सब हम मिड विकेट पर खेला है लेकिन यहाँ एक ही रन मिलेगा और अच्छा ओवर यहाँ पर जाफिर की जानिब से, 3 गेंदों पर 1 रन दिया अब तक। और इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा, नासिर आउट हुए 17 रन बनाकर, रोरिंग टाइगर्स को 28 रन पर दूसरा नुकसान हुआ 5 ओवर के खेल में, और 93 गेंदों पर 185 रन दरकार इस मैच को जीतने के लिए।
और यहाँ पर तीसरा नुकसान हुआ इस दफ़ा, चंदन आउट हुए और रोरिंग टाइगर्स को 8वें ओवर के खेल में रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 13.28, करंट रन रेट 5.87। बिलाल ने अपनी पहली विकेट हासिल की अपने स्पेल के पहले ओवर में। इस दफा खेल दिया है 4 रन्स के लिए यहाँ पर प्रेशर सिचुएशन में, जहाँ पर अर्ली 2 विकेट हासिल हुई बैक टू बैक। रोडिंग टाइगर के बैट्समैन उस्मान ने 4 गेंदों पर 6 रन्स बना चुके हैं अब तक। 9वें ओवर का खेल जारी है, 159 रन्स नीड 84 बॉल्स पर।
और इस दफा अच्छा बॉल, डॉट बॉल हुआ यहाँ, लेकिन एम्पायर का चला यहाँ वाइट बॉल का, और एक एक्स्ट्रा रन आया यहाँ। बढ़ता हुआ स्कोर रोडिंग टाइगर सीसी का 57 लॉस ऑफ 3 विकेट, 10वां ओवर का खेल जारी। इस दफा केन खेला है यहाँ पे, कदमों का इस्तेमाल करते हैं फाइनल की जानिब चार रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 62, 10वें ओवर का, दो गेंद बाकी अभी। के साथ ही 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ 4 रन के साथ यहाँ, और 67 रन बन चुके रोडिंग टाइगर्स के 3 विकेट के नुकसान पर। 60 गेंद में 143 रन बाकी।
गया। चौथा नुकसान हुआ था नए आने वाले बैट्समैन कासिम रोरिंग टाइगर्स की जानिब से। 56 बॉल्स और 130 रन, 8 रन्स नीडेड टू विन दिस मैच। और इस दफा खेले हैं एक्स्ट्रा कवर पर, बॉल हवा में था लेकिन यहाँ 2 रन मिलेंगे बआसानी दोनों बैट्समैन की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन क्लियर कर गई, अमेज फील्डिंग हुई, बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर रोरिंग टाइगर्स का 76, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसी के साथ ही 11 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ। रोरिंग टाइगर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 77, 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 14.78। फरहान 13 रन पर खेले, साले ने कासिम नहीं आने वाले 5 रन जिन्होंने बनाए अब तक। दफा अच्छा बॉल ब्लॉक ऑल में था, 1 ही रन मिलेगा यहाँ बैट्समैन। सुरेश शॉट इस दफा खेल लिया बेहतरीन, 6 रन के लिए यहाँ फरहान ने। और बढ़ता हुआ स्कोर रोरिंग टाइगर्स का 86, 4 खिलाड़ियों को नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल जारी है, 51 बॉल्स और 124 रन। और इस दफा गेंद खेला है हवा में और यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। इस दफा उठा दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉल 6 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 94। 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ, फरहान का बढ़ता हुआ स्कोर 28, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 94, 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 14.50 बाकी।
और इस दफा फ्लाइट बॉल था जिसे खेला कवर्स में असगर खान की तरफ से, स्लो बॉल था और यहाँ पर ओवर थ्रो के दो रन, तीसरा रन भी यहाँ हासिल हुआ। यहाँ पे बैड फील्डिंग का मुजाहरा पाक हीरो सीसी की जानिब से। अगेन अच्छा बॉल यहाँ पर ऑफ टर्म से बाहर था, लेकिन बाहर ने से बॉल करार दे दिया। बैट्समैन यहाँ वाइड डिमांड करते हुए एम्पायर से, इसी के साथ ही 100 रन मुकम्मल हुए रोडिंग टाइगर्स के। 13वें ओवर के 2 गेंद बाकी, 4 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट मुकम्मल 15.00 बाकी। तो मिड विकेट पे खेला है, यहाँ देखना होगा बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर बढ़ता हुआ स्कोर 104। काफ़ी महंगा ओवर साबित हो चुका है असगर का, ये इस ओवर में अब तक 11 रन आ चुके हैं और 33 रन की साझेदारी मुकम्मल हुई कासिम मुगल और फरहान के दरमियान 14 गेंदों का सामना करते हुए। इस दफा गेंद स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड के लिए हैं, देखना होगा यहाँ एक ही रन मिलेगा। लेग स्पिन करते हैं राइट आर्म इस साम आए हैं, वाइड करार दे दिया पहला बॉल बाइन का। इसे फ्लाइटेड बॉल था जिसे खेला है कवर्स में, और यहां 2 रन मिलेंगे।
आने वाले बैट्समैन अब्दुल मजीद, पांचवा नुकसान हुआ यहाँ पर रनिंग टाइगर्स को। और अब्दुल मजीद साथ देंगे कासिम का जिन्होंने 9 रन बनाए अब तक। चौथे ओवर का आखिरी गेंद बाकी, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 16.22। बहुत ही उमदा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ फजल, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को। 4 गेंदों पे 1 रन दिया सिर्फ अब तक। कासिम खेल रहे हैं, रिक्वायर्ड रन 18.56 जा पहुँचा है। और इस दफा बड़ा शॉट खेलने जाते थे, अगेन बीट हुए यहाँ। और जब खेल दिया है, उम्दा शॉट कनेक्ट हुआ मिडल ऑफ द बैट और बॉल बाउंड्री लाइन से पार, 6 रन के लिए। इसी के साथ ही 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रनिंग टाइगर्स का पड़ता हुआ स्कोर 117.5 खिलाड़ी के नुकसान पर।
सूरज शॉट 6 रन के लिए खेल दिया। अगेन यहाँ कासिम ने 16 गेंद में 21 रन बना चुके हैं। डॉटेड टाइगर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 124 पांच खिलाड़ी के नुकसान पर, और बढ़ता हुआ स्कोर 124 16 ओवर का खेल जारी है। रिक्वायर्ड 18.43 बाकी। इस दफा अगेन खेल दिया ऑन द नी और अगेन सेम रिजल्ट, 6 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। बढ़ता हुआ स्कोर रनिंग टाइगर्स का 130। इसी तरह की बल्लेबाजी चाहिए होगी यहाँ। और इसी के साथ यहाँ छठा नुकसान हुआ रॉयल टाइगर्स को कासिम का।
और इस दफा खेला है शॉट 6 रन के लिए। यहाँ अब्दुल ने आते साथ ही जारहाना मूड में ये शॉट लगाया और बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ रॉयल टाइगर्स का 140 6 विकेट के नुकसान पे रिक्वायर्ड रन रेट 21.00 20 गेंद और 70 रन दरकार। अगर बड़े शॉट्स इस तरह लगते हैं 2-3 ओवर अच्छे लगते हैं तो ये स्कोर हो सकता है पॉसिबल। इस दफा उठाया है मिड विकेट पर स्लोअर बॉल था लेकिन 1 ही रन मिलेगा। और इसी के साथ ही 7 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ रॉयल टाइगर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 143 6 विकेट के नुकसान पर रन रेट 8.41 रिक्वायर्ड रन रेट 22.23 बाकी। कवर्स में खेला 1 ही रन मिलेगा यहाँ बल्कि 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर मिस फील्ड हुआ यहाँ गेंद और अर्सलान का बढ़ता हुआ स्कोर 7-5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 गेंदों का सामना करते हुए। इधर शॉट ऑफ द लेंथ बॉल था जिसे खेला स्टेट ऑन द ग्राउंड और 1 ही रन मिलेगा यहाँ।
और इसके साथ 18 ओवर का खेल समाप्त हुआ जिसमें 153 रन बने रोडिंग टाइगर्स के 6 विकेट के नुकसान पर और 12 गेंदों पर 58 रन दरकार।
और इसी के साथ ये मैच जो है पाक हीरोज ने अपने नाम किया। और इस्साम इकबाल मैन ऑफ द मैच के राज ने 51 रन की शानदार इनिंग खेली और एक ओवर में एक विकेट हासिल की। आपसे मुलाकात होगी समद खान की जानिब से अगले मैच में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।